अनुपमा का आने वाला ट्रैक दिलचस्प होने के साथ साथ इमोशनल भी होने वाला है, क्योंकि अनु की जिंदगी एक बार फिर से पलटने वाली है। उसके बेटे समर के निधन के साथ वो टूटने वाली है। अभी उसके हिस्से में खुशियां आई ही थी कि बेटे को खोने का गम उसकी जिंदगी में भी आ गया। समर वो बेटा है जिसे अनुपमा बहुत प्यार करती थी, अपने उसी प्यारे बेटे समर को खो दिया है हमेशा के लिए। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। पर जब उसे पता लगेगा कि उसके पति अनुज की वजह से उनका बेटा चला गया है दुनिया से, जिसकी वजह से अनुज और अनुपमा के रिश्ते के बीच दरार आने वाली है। वनराज के बार बार कहने पर अनुपमा के दिमाग में ये बात घर कर जाएगी और वो भी अपने बेटे को खोने के पीछे अनुज को ही जिम्मेदार ठहराकर पहले तो उसका घर छोड़ेगी। और बताया जा रहा है कि वनराज के बार बार उकसाने के बाद अनुपमा अनुज से तलाक लेने का फैसला भी करती नजर आएगी। हालांकि फैंस अनुज और अनुपमा के रिश्ते में आ रही दरार से नाराज हैं। वो अनुज जैसे खूबसूरत किरदार को खराब करने के लिए निर्माताओं से नाराज हैं। अनुपमा और अनुज की जोड़ी को दर्शक खूब पसंद करते हैं, उन्हें प्यार से मान कहते हैं, लेकिन ये अलगाव दर्शकों को पसंद नहीं आया। एक यूजर ने लिखा, अनुज के ऊपर ब्लेम करके इसका रोल खराब मत करो, कहानी में कुछ नहीं मिल रहा तो हैप्पी एंडिंग कर दो। एक अन्य यूजर ने लिखा, ये क्या बकवास है कि उन्हें ये ट्रैक नहीं लाना चाहिए था। अब जब प्रोमो रिलीज हुआ है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अधिक ने समर को मार डाला और अनुज किसी कारण से ये बात छिपा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि मेकर सिर्फ टीआरपी वापस पाने के लिए इस अलगाव की योजना बना रहे हैं। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अनुपमा अनुज से तलाक लेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही से तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।